हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड वाला, आई एम सोनप। दोस्तों, आज की ताजा खबरों का सिलसिला चालू करते हैं। सबसे पहले विद एन अपडेट इन फ्रॉम सुशांत सिंह राजपूत केस। वेल नोन सेलिब्रिटी मैनेजर रेशमा शेट्टी, जो सलमान खान जैसे बड़े सुपरस्टार को हैंडल कर चुके हैं इन द पास्ट एंड इज करंटली हैंडलिंग अक्षय कुमार एंड मेनी अदर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, हैज नाउ बीन कॉल्ड फॉर क्वेश्चनिंग बाय द मुंबई पुलिस। उनको क्वेश्चन किया गया, ऑलमोस्ट 5 घंटे का क्वेश्चनिंग हुआ। अब इस क्वेश्चनिंग से क्या कुछ निकला उसका अपडेट मुंबई पुलिस ने दिया नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशंस आर ऑन एंड एज आई ऑलवेज से लेट्स वेट फॉर मुंबई पुलिस टू कंप्लीट देयर इन्वेस्टिगेशन सो दैट वी विल गेट टू नो What actually prompted Sushant Singh to take that drastic step? फिलहाल के लिए 35 लोगों को question किया गया है। अब देखते हैं आगे Bollywood से किन किन लोगों को मुंबई पुलिस बुलाएगी क्वेश्चनिंग के लिए सुशांत सिंह राजपूत के केस में। नाउ मूविंग ऑन टू अनदर न्यूज, मुंबई पुलिस हैज ऑफिशियली थैंक्ड रोहित शेट्टी फॉर प्रोवाइडिंग फैसिलिटीज इन 11 डिफरेंट सिटी होटल्स फॉर देयर ऑन ड्यूटी पुलिसमैन। जो भी पुलिसमैन ऑन ड्यूटी है इन दिस लॉकडाउन पीरियड, जो COVID-19 के ड्यूटी पर है, एंड फॉर देम फॉर देयर फूड एंड ड्रिंक जो भी अरेंजमेंट किया है वो रोहित शेट्टी ने किया है, रेस्ट का जो भी अरेंजमेंट किया है वो रोहित शेट्टी साहब ने किया है इन 11 डिफरेंट सिटी होटल्स। अब ये जो जेनरोसिटी रोहित शेट्टी ने दिखाया है फॉर 100 डेज, इसके लिए मुंबई पुलिस ने ऑफिशियली थैंक यू कहा है रोहित शेट्टी को। कुडोस टू रोहित शेट्टी फॉर दिस अमेजिंग जेनरोसिटी दैट ही हैज शोन टू ऑल आवर कोविड वॉरियर्स इंक्लूडिंग पुलिसमैन हु हैव बीन डूइंग ग्रेट ग्रेट जॉब कीपिंग द सिटीजन सेफ ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन पीरियड, रिस्किंग देयर ओन लाइव्स व्हिच इज लाइक अ वेरी वेरी बिग थिंग टू डू। सो सल्यूट टू मुंबई पुलिस एज वेल। दोस्तों, नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट पीस ऑफ न्यूज, सुपरस्टार सलमान खान एंड दिशा पटानी हैव रेज्यूम शूटिंग फॉर देयर अपकमिंग फिल्म दैट इज राधे। राधे रिलीज होने वाला था ईद के वक्त इन द मंथ ऑफ मे, बट ड्यू टू लॉकडाउन इट हैज गॉट पोस्टपोन। थोड़ा बहुत शूट जो बाकी था वो अभी उन लोग स्टूडियो में शूट करेंगे, ग्रीन यू नो बैकग्राउंड के साथ, क्रोमा के साथ वगैरह वगैरह, और जो भी पोस्ट प्रोडक्शन रहेगा वो कंप्लीट करेंगे और फिलहाल फाइनली ये फिल्म रिलीज होगा थिएटर्स में। जब कभी भी थिएटर्स खुलेगा तब भी एक सूटेबल डेट देके सलमान खान रिलीज करेंगे इस फिल्म को। दोस्तों, नेक्स्ट इज आवर लास्ट पीस ऑफ न्यूज, सोनी लिव का एक नया वेब सीरीज आया अंधेकी, जिसको मैं सुबह सुबह रिव्यू भी किया था। अब इस वेब सीरीज को लेकर एक कंट्रोवर्सी पैदा हुआ है। कंट्रोवर्सी यह है कि सोनी लिव ने एक अजीब और गरीब मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सोचा उनके इस वेब सीरीज को प्रमोट करने के लिए। लोगों को कॉल आने लग गया फ्रॉम अ वेरी अननोन नंबर, जो एक स्पैम नंबर होता है, वो नंबर से कॉल आया। जैसे आप उठाओगे कॉल, एक बंदे का आवाज आएगा इन अ वेरी फियरफुल वॉइस, ही विल से दैट ही हैज विटनेस अ मर्डर एंड हिज ओन लाइफ इज इन डेंजर। अब ये बहुत ही घटिया प्रमोशनल स्ट्रैटेजी था, पता नहीं सोनी लिव वालों ने ये सोचा क्यों, किसने सोचा और कैसे इसका अप्रूवल मिला। क्योंकि यार, अगर आपका शो अच्छा है तो आपको किसी और पब्लिसिटी गिमिक करने की जरूरत नहीं है, एंड अंधेकी एक अच्छा शो है तो ऐसे तो फालतूगिरी करने का जरूरत नहीं था। सोनी लिव ने इस पर्टिकुलर फालतू प्रमोशनल स्ट्रैटेजी के लिए माफी भी मांगा है, क्योंकि महाराष्ट्र साइबर क्राइम ने वॉर्न भी किया था उनको कि ऐसे सब फालतूगिरी ना करे जो जिससे लोगों के मन में एक डर पैदा हो, ऐसे सब प्रैंक्स का कोई जगह नहीं है सिविल सोसाइटी में। दोस्तों, ये थी आज की ताजा खबरें। आपको कौन सा खबर कैसे लगा ये लिखकर बताना कॉमेंट बॉक्स में। For the moment, Sonup says, Tata!